वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बिल्डिंग प्लानिंग के अगले वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो जो है हमारा वेंटिलेशन का जो टॉपिक है, आपका लास्ट यूनिट जो है उसमें एक टॉपिक है वेंटिलेशन, ठीक है। कि और स्पेसिफिकली ये नेचुरल वेंटिलेशन क्या है, किस तरह से अचीव किया जाता है, उस पर ये यूनिट है, उसका ये टॉपिक है, ठीक है, यूनिट का। तो उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे। ये पूरा टॉपिक कवर करने में हमें दो वीडियो लग जाएंगे, ठीक है। तो आज हम कुछ पोर्शन करेंगे और कुछ पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पर वेंटिलेशन का प्रोसेस समझने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शुरू के एक दो स्लाइड समझ लोगे तो बाकी का सब कुछ आगे के लिए क्लियर हो जाएगा। तो नेचुरल वेंटिलेशन दो टाइप से होता है, एक विंड के थ्रू और एक बायंसी। अब विंड का क्या कंसेप्ट है कि विंड क्या है, विंड ब्लोस थ्रू इनलेट ऑन विंडवर्ड साइड एंड कम्स आउट फ्रॉम लीवर्ड साइड फ्रॉम ओपनिंग एंड रूफ। बेसिकली कोई भी आपका इनलेट है, इनलेट भी एक तरह की ओपनिंग ही होती है, ठीक है। तो जो विंडवर्ड साइड जहां से हमारा हाई प्रेशर जोन है वहां से विंड आएगी, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन जाती है वो आपको पता ही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई इनलेट प्रोवाइड कर दें, ये जो बॉक्स है वो मेरा बिल्डिंग बॉक्स है समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी विंड आएगी और जो आपके लीवर्ड साइड में ओपनिंग्स हैं और रूफ, उनके थ्रू क्या होगा, मेरी विंड अपनी बाहर चली जाएगी, ठीक है। और इसी के अंदर जो प्रोसेस है विंड का अंदर आना और उसके कुछ नेचर है जो अगली दो साइड में क्लियर हो जाएंगे हमारे, उसके थ्रू बाहर चले आना, इसी में आपका क्या है, वेंटिलेशन अचीव होता है किसी भी बॉक्स का। बॉक्स मींस बिल्डिंग रूम भी हो सकता है या फिर बिल्डिंग के अंदर का कंपोनेंट। अभी के लिए हम लोग इसको रूम बोलेंगे, आज के इस वीडियो में बॉक्स जो है सो बिल्डिंग कंसिडर नहीं करके हम रूम बोलूंगा मैं। जहां जहां पे रूम आया मतलब कि आपको इस मान के चलना है कि रूम और रूम ऑफ ग्रुप ऑफ रूम्स, ठीक है। तो जो एयर फ्लो होता है, एयर फ्लो जो मेरा है उसका एक फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल सा के ए वी, बेसिकली आपका ये क्यू इज इक्वल टू ए वी ही है, ठीक है। ए क्या है, एरिया ऑफ ओपनिंग, वी क्या है मेरा विंड स्पीड, जैसा हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं फ्लो इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, यही चीज है। और के है मेरा कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे कि ओपनिंग का कोई एरिया लेते हो, जैसे कि मेरा सपोज की विंडो है, ठीक है, आपने एरिया पूरा ले लिया लेकिन वो पूरा का पूरा एरिया ओपन नहीं है, आप कुछ ना कुछ वहाँ पे बीच में जैसे कि वायर गेज हैं इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हो, या फिर हमारे सनशेडिंग कुछ चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो k इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू वन, तो एक कोफिशेंट है, कोफिशेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ स्मॉलर ओपनिंग। तो इस तरीके तो ये जो मेरा फॉर्मूला है k a v, ये क्या देता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लो किसी भी बॉक्स के अंदर हमारा हुआ है, किसी भी रूम के अंदर हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया एक विंड। अब विंड के बाद में क्या है हमारा, बायंसी। बायंसी क्या है, बायंसी कब होती है, जब इंडोर और आउटडोर के टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाए, ठीक है। और इसको बायंसी आप किस तरीके से हो सकती है, टेम्परेचर इंड्यूस भी हो सकती है और ह्यूमिडिटी इंड्यूस भी हो सकती है। तो उसके एग्जांपल्स हैं स्टैक वेंटिलेशन और कूल टावर। तो हमारे कल के वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें स्टैक वेंटिलेशन क्या होता है और कूल टावर क्या होता है, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली जब हमारी पहली स्लाइड में ये था कि नेचुरल वेंटिलेशन टाइप्स विंड एंड बायंसी, तो एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। विंड और बायंसी के कंबाइंड इफेक्ट के थ्रू ही हम किसी भी बिल्डिंग में या फिर किसी भी रूम में वेंटिलेशन को अचीव कर सकते हैं। अब उसमें क्या बेसिक रूल है कि क्या कौन से प्रिंसिपल पे वो काम करेंगे हम पहले वो देखेंगे, और फिर वन बाय वन किस तरीके से उनको अचीव किया जा सकता है। अब टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे जो स्टैक वेंटिलेशन और कूल टावर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हमें देखते हैं कि ये टेम्परेचर डिफरेंस और
ह्यूमिडिटी इंड्यूस्ड इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ आप 11 12 की फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है ऑलरेडी। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वार्म एयर इनसाइड एंड कूल एयर आउटसाइड कैन कॉज द एयर इन द रूम टू राइज एंड एक्सिट एट द सीलिंग और रीच, ठीक है, एंड एंटर वाया लोअर ओपनिंग्स इन द वॉल्व। तो बेसिकली क्या है कि अगर मेरा टेम्परेचर डिफरेंस है आउटसाइड और इनसाइड के बीच में, अगर किसी भी रूम के अंदर अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर डिफरेंस आउटर एटमोसफेयर और इनर एटमोसफेयर के बीच में जो मेरा टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होगा आपका एयर का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस चीज है, तो ऑब्वियसली हमारा क्या होना है, जो रूम के अंदर का एयर है वो वार्म होनी है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन है, बहुत सारे फॉरेन मटेरियल्स हैं, जिसकी वजह से वो मेरा वार्म होगा और आउटसाइड एयर है वो मेरी कूल एयर होगी। अब वार्म एयर क्या होती है, डेंसिटी में कम होती है, तो उससे क्या होगा, वो मेरी वार्म एयर है वो मेरे रूम के नीचे से, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एयरों में दिखा रहा है, नीचे वाले पोर्शन से अपर पोर्शन में जाएगी, और वहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए आउटलेट, जिसको हम लोग वेंटिलेशन बोलते हैं, ठीक है, वेंटिलेशन एक कंसेप्ट है, लेकिन हम ये जो आउटलेट प्रोवाइड करते हैं उसी को वेंटिलेशन जो हमारी जनरल भाषा है उसमें बोलते हैं। तो ये जो वार्म एयर था वो तो यहाँ से बाहर चला गया, अब यहाँ पे जो स्पेस एयर की जाने की वजह से जो स्पेस क्रिएट हुआ है उसमें बाहर से कूल एयर आएगी, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और वेंटिलेशन इस तरीके से मेंटेन होगा, और इसका रीज़न क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, ह्यूमिडिटी इंड्यूस, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी का क्या है कि सेम चीज है, अभी हमने क्या देखा, टेम्परेचर की वजह से मेरी जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ जा रही थी, अब उसी बात को दूसरे तरीके से बोलेंगे, क्या कि ह्यूमिड है, ठीक है, अगर कूल एयर है, कब होगी कूल, जबकि उसमें ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होगा, वो मेरा हैवी होगा, ठीक है, और उसकी वजह से वो क्या होगा, कूल एयर डाउन आएगी, ठीक है, कूल एयर डाउन आएगी हैवी होने की वजह से, तो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, मेरा एयर का सर्कुलेशन हो गया, मीन्स कि वेंटिलेशन अचीव हो गया। तो बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस और ह्यूमिडिटी इंड्यूस होता दोनों में एक ही चीज़ है कि आपकी जो गर्म हवा है वो नीचे से ऊपर, कूल एयर है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और यही कंसेप्ट आपका, ये जो बोला गया ये लाइन, वही कंसेप्ट आपको हर चीज में, फिर ये चाहे आपका विंड कैचर हो, कूल टावर हो, या फिर आपका बगदीर हो, मेलकैफ हो, उन सब में यही चीज़ यूज़ होती है। अब किस तरीके से यूज़ होती है और डिफरेंस क्या है इन सब में, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब नेचुरल वेंटिलेशन क्या है, अब हमें थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है इन चीज़ों को, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट थे, ये प्रिंसिपल थे, उनके थ्रू नेचुरल वेंटिलेशन हम लोग अचीव करने वाले, लेकिन वॉट इज नेचुरल वेंटिलेशन, ठीक है। तो नेचुरल वेंटिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग एंड रिमूविंग एयर थ्रू अ स्पेस बाय नेचुरल मीन्स, टेम्परेचर डिफरेंस, ह्यूमिडिटी, ये सब मेरा क्या था, नेचुरल मीन्स है। इट कैन बी अचीव बाय हेल्प ऑफ ओपनेबल विंडोज और ट्रिकल वेंट्स, तो वेंट और विंडो के यूज के थ्रू हम लोगों ने क्या किया है, हमारे नेचुरल मीन्स के यूज के थ्रू और विंडोज और वेंट्स के हेल्प से हमने जो वेंटिलेशन अचीव किया है, ठीक है। वेंटिलेशन क्या है, सप्लाई एंड रिमूवल ऑफ एयर थ्रू ए स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेंटिलेशन। अगर आपने फैन यूज किया है या फिर एयर कंडीशनिंग मीन्स यूज किया है तो दैट इज नॉट नेचुरल वेंटिलेशन, वो आर्टिफिशियल में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको एग्जाम में अगर आप स्केच बना देते हैं तो वो काफ़ी बेटर होगा, जैसे कि यहाँ पे बीच में ओपन पोर्शन है, किसी एक घर है, ये हाउस है, उसमें आपका ये नॉर्दर्न साइड है, साउदर्न साइड है, यहाँ से आ रही है एयर और यहाँ पे इस ओपनिंग के थ्रू बाहर चली जा रही है, फिर ये ओपनिंग ही यहाँ पे इनलेट का काम कर रही है और साउदर्न साइड में मेरी एयर बाहर चली जा रही है,
तो आप इस तरह से एयर फ्लो अगर दिखाते हैं एग्जाम में स्केच के थ्रू, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, एग्जामिनर के लिए भी सही होगा वो चेक करने के लिए। अब नेचुरल वेंटिलेशन एंड एयर मूवमेंट कैन बी अचीव बाय स्ट्रक्चरल कंट्रोल, ठीक है। अब एज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई और मैकेनिकल इंस्टॉलेशन। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि नेचुरल उसमें हम कोई भी मैकेनिकल इंस्टॉलेशन या फिर एनर्जी सप्लाई का यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको बेसिक करना क्या पड़ेगा, अचीव कैसे करोगे, स्ट्रक्चरल कंट्रोल। स्ट्रक्चरल कंट्रोल मतलब किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में आप ग्रुपिंग कर रहे हो बिल्डिंग के अंदर के रूम्स की। ग्रुपिंग का कंसेप्ट आपको मैं प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में समझा चुका हूँ, ठीक है। किस तरीके से आप विंडोज प्रोवाइड कर रहे हो, किस तरीके से आप वेंटिलेशंस प्रोवाइड कर रहे हो, आप कोर्टयार्ड कहाँ प्रोवाइड कर रहे हो और किस बरामदा किस किस डायरेक्शन में कैसे कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये सब हो गए मेरे स्ट्रक्चरल कंट्रोल। और तो बेसिकली ग्रुपिंग किस तरह से आप कर रहे हो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग्स की, वो सब आ जाएंगे मेरे स्ट्रक्चर कंट्रोल्स। और स्ट्रक्चरल कंट्रोल्स के थ्रू ही हम नेचुरल वेंटिलेशन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब नेचुरल वेंटिलेशन क्यों, ठीक है, वाय नेचुरल वेंटिलेशन, तो उसकी बात हम वाय की बात हम बाद में करते हैं, ठीक है। उसको रीज़न क्या है क्या नहीं है उसमें बाद में आते हैं। सीधी सी बात है कि आप नेचुरल वेंटिलेशन नहीं करोगे तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन करोगे, और उसमें क्या करना है करने वाले हो आप, फिर आप एनर्जी कंजप्शन यूज़ करोगे, एनर्जी कंजप्शन करोगे, ठीक है। तो इसलिए हम वाई नेचुरल वेंटिलेशन में जाने से पहले ये देख लेते हैं कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चरल कंट्रोल के थ्रू वेंटिलेशन यूज़ करते हो। तो एक सिंपल सा शाहजहांबाद के हाउस का यहाँ पर एक स्केच है। अब यहाँ क्या हो रहा है आप देखिए कि ये इम्पोर्टेंट है आपका, नो पैराफिट बिल्ड टूवर्ड्स द कोर्टयार्ड। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग बिल्डिंग पूरा एक हाउस है, उसका एक रूम सेक्शन यहाँ पे है, एक रूम सेक्शन यहाँ है, यहाँ पर है और इधर है, और बीच में दो कोर्टयार्ड है, ठीक है। बीच एक स्ट्रीट है, तो ये हाउस अलग है और ये हाउस अलग है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इसको ध्यान से देखिए, अभी जो मैंने सर्कल किया वो पैराफिट वॉल है। पैराफिट वॉल कहाँ दी है, टुवर्ड्स द स्ट्रीट, लेकिन कोर्टवर्ड की तरफ पैराफिट वॉल नहीं दी है। रीजन क्या है कि यहाँ पर कुछ एयर है, इस पे ध्यान दीजिए, एयर है। अब नाइट के टाइम पे मून, स्केच में इन चीज़ों का ध्यान रखो, पूरा स्केच बना दोगे और यहाँ पे आपने सन कर दिया तो गलत हो जाएगा। नाइट के टाइम पे क्या होता है, दिन भर ये गर्म हुआ जो मेरी रूफ है वो, और नाइट में क्या होगा, रेडिएशन को वापस स्काई की तरफ ये रेडिएट कर देगा, भेज देगा, ठीक है। तो अब यहाँ की एयर क्या हो गई, कूल एयर हो गई। अब आपने यहाँ पे तो पैराफिट वॉल प्रोवाइड कर रखी है, तो अब वो कूल एयर का मूवमेंट इस तरफ से नहीं हो सकता, और यहाँ पे आपने पैराफिट वॉल प्रोवाइड नहीं की है, तो अब क्या होगा, ये जो कूल एयर आई है मेरी, जो कूल एयर आई वो क्या होगी, यहाँ से मूवमेंट हो जाएगा उसका, और कोर्टयार्ड के थ्रू और भी कूल होती हुई वो रूम के अंदर होती हुई जो मेरे आउटिंग दे रखी है मैंने, ठीक है, आउटर ओपनिंग, उसके थ्रू मेरा ये एयर है वो बाहर चली जाएगी। सीधी सी बात है, कूल एयर नीचे आएगी, वापस से वो वार्म हो जाएगी और फिर बाहर चली जाएगी। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेचुरल वेंटिलेशन अचीव किया। अब आप यहाँ पे अगर पैराफिट वॉल दे देते तो क्या होता, एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता, या फिर अगर इसको आप इस तरीके से देखें, ये पैराफिट वॉल नहीं देते तो आपकी कूल एयर सीधी की सीधी स्ट्रीट की तरफ चली जाती और आपका कुछ यूज़ नहीं आती। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपने कैसे स्ट्रक्चरल कंट्रोल करके नेचुरल वेंटिलेशन को अचीव किया है। तो आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।